Hello, everyone, welcome to the official channel of Vector Educators. This is Neelam, and today we are going to discuss prepositions. So, let's start. So, preposition is a word or group of words that is placed before a noun or pronoun to indicate direction, method, place. और सोर्स सो प्रीपोजिशन ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले प्लेस किया जाता है या हम ये कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन के बीच की रिलेशनशिप हमें बताता है एंड हमेशा याद रखना है कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा इधर नाउन आएगा या तो यहां पर इसके बाद प्रोनाउन आता है कभी भी प्रिपोजिशन के बाद कोई वर्ब फॉलो नहीं करता है जैसे यहाँ पर देखते हैं द प्रिपोजिशन में ज्वाइन वन नाउन टू अनादर मतलब कि प्रपोजिशन एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ने का काम करता है जैसे यहाँ पर देखेंगे रीचा वॉज इन द किचन सो यहाँ पर देखेंगे रीचा एक नाउन है किसी गर्ल का या किसी फीमेल का नाम है एंड किचन इज ऑल्सो नाउन एंड इन दिस केस इज दिस इन इज कनेक्टिंग बोथ दिस नाउन सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें इट मे ज्वाइन अ नाउन टू अ वर्ब मतलब प्रिपोजिशन नाउन से वर्ब को भी कनेक्ट करने का काम करता है सो so यहां पर देखेंगे शी स्लिप्ट ऑफ स्टेयर्स, सो यहां पर ये स्लिप्ट वर्ब है एंड स्टेयर्स इज ऑल्सो नाउन अगेन सो दिस ऑफ वर्ड इज कनेक्टिंग बोथ दिस वर्ड्स स्टेयर्स एंड स्लिप्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल इट मे ज्वाइन नाउन टू एन एडजेक्टिव मतलब ये noun को adjective से भी कनेक्ट करने काउड वी यहाँ पर क्या है प्रोनाउन है एंड प्रोनाउन या नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो क्या होता है यहाँ पर एड्जेक्टिव वी कैसे है प्राउड है सो दिस इज अडजेक्टिव एंड कंट्री इज अउन सो यहाँ पर ये एडजेक्टिव एंड नाउन के बीच में जो कनेक्शन फॉर्म कर रहा है ये ऑफ है एंड दिस ऑफ इज प्रपोजिशन सो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से प्रपोजिशन एक नाउन को दूसरे नाउन से कनेक्ट करता है या एक नाउन को दूसरे वर्ब से कनेक्ट करता है या एक नाउन को एक एडजेक्टिव से भी कनेक्ट करता है एंड हमेशा याद रखना है कि प्रिपोजिशन के बाद या तो प्रोनाउन होता है या तो नाउन आता है कभी भी प्रिपोजिशन के बाद वर्ब फॉलो नहीं करता आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं सम कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशंस मतलब कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस जिनमें सभी को हमेशा कंफ्यूजन होता है जैसे कि एट इन एंड ऑन सो स्पेसिफिक या पर्टिकुलर टाइम के बारे में बता, हमें बताता है जैसे फोर ओ क्लॉक मैंने कहा फोर ओ क्लॉक मतलब चार बजे या मैंने कहा एट टेन ओ क्लॉक ये कुछ कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं हम टाइम का सो so, यहाँ हमें ये स्पेसिफिक टाइम के बारे में बता रहा है देन नेक्स्ट इन इन इज यूज टू डिनोट मंथ ईयर एंड सेंचुरी सो इनका यूज हम मंथ बताने के लिए ईयर या सेंचुरी तीनों चीजों को बताने के लिए यूज करते हैं जैसे यहां पर मैंने लिखा इन जुलाई मतलब यहां पर मंथ डिनोट कर रहा है इन टू थाउजेंड ट्वेंटी मतलब यहां पर ईयर डिनोट कर रहा है एंड इन ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी तो यहां पर हमें सेंचुरी के बारे में पता चल रहा है सो आई होप इट इज क्लियर देन ऑन का यूज हम करते हैं डेज एंड डेट्स बताने के लिए फॉर एग्जाम्पल ऑन ट्वेंटी फिफ्थ सेप्टेंबर तो यहां हमने देखा कि ये डेट बता रहा है ऑन मंडे यहां पर ये डे डिनोट कर रहा है So, ये बेसिक से डिफरेंसेस है एट इन एंड ऑन के बीच में आगे बढ़ते हैं इन एंड इनटू का डिफरेंस सो इन डिनोट्स प्रिपोजिशन सॉरी पोजिशन सॉरी एंड इनटू डिनोट्स मूवमेंट एंड एंट्रेंस मतलब इन हमें सिर्फ पोजिशन बताता है जैसे द पेन इज इन ड्रॉवर सो ड्रॉवर के अंदर है मतलब हमें पेन की पोजिशन पता चल रही है लेकिन इंटू हमें क्या बताता है मूवमेंट बताता है या एंट्रेंस बताता है मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब मूवमेंट होती है या एंट्रेंस होता है इसे हम डिनोट करते हैं इंटू से जैसे कि द स्टूडेंट्स केम इंटू रूम द स्टूडेंट केम इन टू द रूम सो यहां पर हमने देखा कि मूवमेंट हो रही है students की. बाहर थे, so medium यहाँ पर अलग था एंड जब रूम में एंट्री की तो मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री होती है तब हम यूज करते हैं इंटू का या आप सिंपल लैंग्वेज में याद रख सकते हैं कि जब मूवमेंट होती है या एंट्रेंस होता है तब हम उसे डिनोक्ट करते हैं इंटू से एंड इनका मैंने अभी बताया था कि पोजिशन बताने के लिए डिनोट किया जाता है जैसे

लेकिन अगर डिफरेंस की बात करें सो जब कॉन्टैक्ट डिनोट करना होता है मतलब दो चीजें हैं, एक के नीचे एक दो चीजें रखी हुई है एंड दोनों में कॉन्टैक्ट है तब हम अंडर का यूज करते हैं एंड दो चीजों में स्पेस है दर इज स्पेस बिटवीन टू थिंग्स तब हम बिलो का यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल शी केप्ट मनी अंडर द So, अगर बेड के नीचे मनी रखा हुआ है या अगर मनी के मनी के प्लेस पे मैंने बुक लिख दिया शी केप्ट द बुक अंडर नीचे अगर कोई बुक रखा हुआ है सो बेड एंड बुक में ऑब्वियसली कॉन्टेक्ट है इसलिए हमने यहाँ पर यूज किया अंडर का हम यहां पर बिलो का यूज नहीं कर सकते बिकॉज दर इज अंटेक्ट बिटवीन द बुक एंड इसलिए हमने यहां पर यूज किया है अंडर अगर बात करें बिलो की इट इज यूज टू डिनोट स्पेस बिटवीन टू थिंग्स सपोज दो चीजें रखी है एंड दोनों चीजों में स्पेस है दोनों एक के नीचे एक दो चीजें रखते हैं एंड दोनों चीजों में जब स्पेस होता है तब हम बिलो का यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल दे प्लेस्ड द लैम्प बिलो द टेबल सो टेबल के नीचे लैम्प रखा हुआ है एंड टेबल दिस टेबल एंड दिस लैम्प इन दोनों के बीच में यहाँ पर कोई भी कॉन्टैक्ट uh, नहीं है सो so, इसलिए हमने यूज किया बिलो आगे देखते हैं बिटवीन एंड अमंग सो बेसिकली बिटवीन एंड अमंग बोथ दिस वर्ड्स हैव द सेम मीनिंग इन द मिडिल ऑफ कुछ लोग पर्सन है उनके बीच में अगर कोई बैठा हुआ है तो तब हम कहते हैं बिटवीन या अमंग लेकिन बात करें बिटवीन की बिटवीन इज यूज ओनली फॉर टू पर्सन और थिंग्स एंड अमंग मोर देन टू पर्सन और थिंग्स मतलब दो लोगों के बीच में अगर कोई पर्सन बैठा हुआ है तब हम उसे डिनोट करेंगे बिटवीन से बट दो से ज्यादा लोगों के बीच में अगर कोई पर्सन है तब हम यूज करते हैं इस उमंग का बात करें एग्जाम्पल की डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट बिटवीन राम एंड करण सो यहाँ पर सिर्फ दो पर्सन की बात की जा रही है राम एंड करण इसलिए हमने यहाँ पर यूज किया है बिटवीन का अगर बात करें अमंग की इट इज फॉर मोर देन टू पर्सन और थिंग्स सो डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट्स अमंग दी बॉयस सो अमंग दी बॉयस का मतलब है कि यहां पर जो बॉयज है More than मतलब दो से ज्यादा सपोज टेन यहाँ पर ऐसा so, बिसाइट so, नहीं है कि बिसाइड का प्लुरल होता है नहीं बो दिस प्रिपोजिशन डिफरेंट मीनिंग सो यहां पर बात करें बिसाइड की बिसाइड so, मतलब होता है बाई दी साइड ऑफ सो बिसाइड मतलब बाई दी साइड ऑफ मतलब हिंदी में कह सकते हैं बाजू में एंड बिसाइड्स मीन्स इन एडिशन टू मतलब हिंदी में अगर कहेंगे तो यहां पर हो जाएगा के अलावा फॉर एग्जाम्पल गो एंड सिट बिसाइड हिम गो एंड सिट बिसाइड हिम मतलब जाइए एंड जाके उसके बाजू में बैठ जाइए सो so, okay. समझ में आ गया होगा आई होप एंड बिसाइड्स की अगर बात करेंगे बिसाइड्स स्टरिंग ही इज ऑल्सो वर्किंग समवेयर बिसाइड स्टडिंग मतलब पढ़ाई करने के अलावा वो कहीं पर काम भी करता है सो दिसन सो यहां पर अभी हमने बिटवीन एंड ऑमोंग की बात की अब यहां पर फ्रॉम एंड बिटवीन की बात कर रहे सो फ्रॉम इज यूज विथ टू एंटिल या टिल जब भी ये वर्ड टू टिल एंटिल यूज करना होगा तब हम यहां पर फ्रॉम का यूज करते हैं एंड बिटवीन का यूज करते हैं हम एंड के साथ फॉर एग्जाम्पल ही वर्कस इन दफिस फ्रॉम टेन टू फाइव सो अगर यहां पर फ्रॉम की प्लेस पे बिटवीन यूज किया जाए तो यहां पर ये यह जो सेंटेंस होगा ये रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज यहां पर जब भी हम यूज करेंगे टू टेल और अंटिल का इसके साथ हमें हमेशा फ्रॉम का यूज करना है सो ही वर्क इन ऑफिस फ्रॉम टू फाइव नॉट टेन फ्रॉम टेन बिटवीन फाइव या सॉरी इन ऑफिस बिटवीन टेन टू फाइव नहीं हो सकता हमेशा फ्रॉम टेन टू फाइव ही होगा द रिसेप्शन

Let's see the example. She left, she had left, she had left India before she was married, and here she left India two days ago. So, यहां पर अगर बात करेंगे मतलब मैरी होने के पहले ही उसने क्या किया था इंडिया लेफ्ट कर दिया था सो दिस डिनोट्स प्रिस एक्शन कि दिस एक्शन वॉज डन बिफोर दिस एक्शन मतलब मैरी होना एक एक्शन है फर्स्ट एक्शन एंड एक्शन इज लिविंग इंडिया सो ये फर्स्ट एक्शन होने से पहले ये सेकंड एक्शन हो चुकी थी तो प्रिसिंग एक्शन को बताने के लिए यहां पर बिफोर का यूज किया है एंड एगो डिनोट पास्ट एक्शन मतलब कि ऐसी एक्शन जो पास्ट में हो चुकी है शी लेफ्ट इंडिया टू डेज एगो मतलब दो दिन पहले ही वो इंडिया छोड़ चुकी है लेफ्ट कर चुकी है सो आई होप इट इज क्लियर मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट इज ऑन एंड अपॉन डिफरेंस सो ऑन इज डिनोट्स पोजिशन जैसे मैंने कहा द बुक इज ऑन द टेबल ऑन द टेबल यहां पर बुक की पोजिशन पता चलिए कि बुक इज वेयर ऑन द टेबल एंड यहां पर अगर बात करें अपॉन अपॉन डिनोट्स मूवमेंट फॉर एग्जाम्पल थ्री ही थ्रू यू द बुक अपॉन द टेबल सो यहां पर हमें मूवमेंट की भी मूवमेंट uh, पता चल रहा है कि बुक को थ्रू uh, थ्रू किया गया मतलब हिंदी में कहते हैं फेंका गया है कहा अपॉन दी टेबल सो यहां पर मूवमेंट हो रही है इसलिए हम यूज कर रहे हैं अपॉन का एंड सिर्फ जब पोजिशन बताना होता है तब हम यूज करते हैं ऑन का सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन ऑल द कंफ्यूजिंग प्रिपोजिशंस एंड नाउ सम फिक्स्ड प्रिपोजिशंस तो यहाँ हम देखने वालेगा गाइस कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशंस फिक्स प्रीपोजिशंस मतलब क्या होता है कि जैसे ये एब्जोल्व एक वर्ब है 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 एंड इस वर्ब के साथ ये जो from है, ये जो फ्रॉम प्रीपोजिशन फिक्स्ड मतलब कि इस एब्जोल्ब वर्ब के साथ इसके अलावा कोई और प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जा सकता जैसे सेकेंड एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं एक्विट एंड एक्विट के साथ हमेशा आपको इस ऑफ का यूज करना होता है इसके अलावा इस एक्विट के साथ आप यू कैन नेवर यूज एनी अदर प्रीपोजिशन सो एब्जोल्व फ्रॉम मीन्स डिक्लेयर फ्री फ्रॉम गिल्ट प्रोमिस और ड्यूटी मतलब किसी गिल्ट किसी प्रोमिस या किसी ड्यूटी से फ्री डिक्लेयर फ्री कर देना जैसे गिल्ट कोई आपसे कोई क्राइम uh, हो गया है कोई गलती हुई है एंड उस गलती से आपको मुक्त कर देना या आप पर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी uh, या ड्यूटी दी गई थी एंड उस ड्यूटी से आपको जब मुक्त फ्री कर दिया गया होता है उसे कहते हैं एब्जॉल्व फ्रॉम फॉर एग्जाम्पल आई एब्जॉल्व हिम क्या कर दिया मुक्त कर दिया देन नेक्स्ट इज एक्विट ऑफ एंड एक्विट ऑफ मींस टू रिलीव फ्रॉम अ चार्ज ऑफ फॉल्ट टू डिक्लेयर नॉट गिल्टी मतलब किसी को नॉट गिल्टी डिक्लेयर कर देना की यू आर नॉट गिल्टी या जो भी आपके ऊपर चार्जेस लगाए थे उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है चार्जेस लेम जितने भी चार्जेस उसके ऊपर लगाए गए थे उससे उसे क्या कर दिया गया है मुक्त कर दिया गया है रिलीफ कर दिया गया है नेक्स्ट इज एक्यूज ऑफ एंड एक्यूज ऑफ मतलब क्या होता है किसी का रूप, किसी के रूप में कोई ब्लेम करना ब्लेम लगाना एंड हमेशा याद रखना है एक्यूज के साथ जो प्रिपोजिशन होगा वो हमेशा ऑफ होगा सो टू ब्लेम समन फॉर अ क्राइम और रॉन्ग डूइंग शी एक्यूज मी ऑफ स्टीलिंग हर हैंडबैग मतलब उसने आ, मेरे ऊपर एक्यूजेशन लगाया किसका उसके हैंडबैग को स्टील करने का मतलब अः चोरी करने का सो so, हमेशा याद रखना एक्यूज के साथ हमेशा जो प्रिपोजिशन होगा वो ऑफ ही होगा क्स्ट इज एसिड टू एसिड टू मतलब टू एक्सेप्ट रिक्वेस्ट और प्रपोजल किसी ने आपको कोई प्रपोजल दिया है, कोई business proposal या, किसी भी तरीके का प्रपोजल दिया है या आपको कोई रिक्वेस्ट सेंड uh, की है उसे एक्सेप्ट करना यह होता है एसिड टू ही एसिडेड टू माई रिक्वेस्ट सो देखिए यहां पर एसिड के बाद हमेशा टू फॉलो होगा नेक्स्ट इज एक्सिस मीन्स ऑफ रीचिंग या अप्रोच करना किसी तक अप्रोच करना या किसी चीज तक अप्रोच करना जैसे आई हैव नो एक्सेस टू दी प्राइम मिनिस्टर की मैं प्राइम मिनिस्टर तक अप्रोच नहीं कर पा रहा हूं सो so, हमेशा याद रखें कि एक्सेस के बाद जो प्रपोजिशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ टू होती है ना कि कोई और देन नेक्स्ट इज अधियर टू अधियर टू मतलब स्टिक Uh, मतलब अपने पॉइंट पर ही स्टिक रहना मुद्दे पर ही जैसे कि देखिए डिसाइडेड टू टू द द रूल्स ऑफ़ टीम कि हमने डिसाइड किया था कि हम हमेशा जो भी रूल्स है टीम के उन्हें क्या करेंगे फॉलो करेंगे या उसी पर टिके रहना किसी चीज पर अपनी बात पर या किसी पॉइंट पर देन नेक्स्ट इज अप्रूव ऑफ एंड अप्रूव ऑफ मतलब गिव अप्रूवल दे देना शीतल अप्रूव्ड ऑफ माई प्रपोजल इन नो टाइम मतलब बिल्कुल कम टाइम में उसने मेरे आ, प्रपोजल को अप्रूवल दे दिया सो so, हमेशा याद रखेंगे अप्रूव के बाद जो प्रपोजिशन होगा वो हमेशा ऑफ होगा देन नेक्स्ट इज एसेंट टू एसेंट टू मीन ऑफिशियल एग्रीमेंट

The next is acquainted with and acquainted with. So हमेशा याद रखे acquainted के बाद जो preposition होगा वो हमेशा with होगा. Familiar with. I am not acquainted with this girl. मतलब I am not familiar with this girl कि मैं इस girl से familiar नहीं हूँ, मैं इसे नहीं पहचानता हूँ या इस तरीके से. The next is addicted to and यहाँ यहाँ पर ये यह चीज तो आप सभी को पता होगी कि हम कहते हैं he's addicted to cigarettes या he's addicted to alcohol. एडिक्टेड टू मींस टू बी गिवेन टू समिंग हार्मफुल मतलब कोई हार्मफुल चीज को अगर हम आदत होती है, pursue करते है उसे हम कहते हैं मतलब किसी चीज के बारे में जब हम पॉजिटिव होते कि यस ऐसा होगा जैसे कि आई एम एश्योर्ड ऑफ हिज हेल्प इन दीड कि मुझे मतलब मैं अश्योर्ड हूं मतलब मैं श्योर sure हूं कि जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी ये मुझे मदद करेगा या करेगी द नेक्स्ट इज अवेल ऑफ एन के साथ हमेशा याद रखना है ऑफ होता है इसका मतलब होता है टेक एडवांटेज ऑफ मतलब किसी चीज का या किसी ऑफर का फायदा उठाना फॉर एग्जाम्पल शिवानी अवेल्ड हर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी ऑन गॉड सक्सेस मतलब शिवानी ने इस अपॉर्चुनिटी का क्या किया फायदा उठाया एंड शी गॉड सक्सेस फाइनली नेक्स्ट इज फ्रॉम एंड फ्रॉम मतलब होता है कीप फ्रॉम मतलब दूरी बनाए रखना या दूर रहना जैसे कीप फ्रॉम बैड पीपल मतलब बैड लोगों से हमें कैसे रहना चाहिए दूर रहना चाहिए या दूरी बनाए रखनी चाहिए नेक्स्ट इज अबाइड बाय एंड अबाइड बाय मतलब फॉलो स्पेशली रूल्स के लिए करते हैं uh, रूल्स के लिए हम ये वर्ड या ये फिक्स प्रपोजिशन यूज करते हैं रूल्स या कॉम्प्लाय विथ मतलब कि पालन करना फॉलो करना यू शुड अबाइड बाय द रूल्स लेट डाउन बाय द कमेटी कि जो भी रूल्स कमेटी ने बनाए हैं उन्हें हमें फॉलो करने चाहिए कॉम्प्लाय करने चाहिए तो हमेशा याद रखेंगे अबाइड के साथ हमेशा बाई बाय आता है कभी कभी एग्जाम्पल एग्जाम exam में अबाइड के साथ सपोज यहाँ पर होता अबाइड टू यू शुड अबाइड टू द रूल्स लेट डाउन बाय द कमिटी तो यहाँ पर यह भी बिल्कुल करेक्ट साउंड करता है बट ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि अबाइड के बाद हमेशा क्या आना चाहिए बाय सो so, यहाँ पर मैंने एक आपको एग्जाम्पल बताया कि किस तरीके से एग्जाम में एरर बनता है देन नेक्स्ट इज एडमिट टू एडमिट टू मतलब एडमिशन रोहित वॉज एडमिटेड टू द स्कूल ऑन मेरिट सो हमेशा एडमिट के बाद टू होगा देन आंसर फॉर आंसर फॉर मतलब अकाउंट फॉर या एक्सप्लेन सपोज कोई प्रॉब्लम या कोई चीज हो गई है उसका एक्सप्लेनेशन जब आपसे मांगा जाता है उसे हम कहते हैं आंसर फॉर यू विल हैव टू आंसर फॉर यूर मिसडीट्स की जो भी आपने गलत चीजें की है उसके लिए आपको एक्सप्लानेशन मतलब एक्सप्लेन करना पड़ेगा सो so, हमेशा याद रखेंगे आंसर के साथ हमेशा क्या आएगा फॉर देक्स्ट इज अकाउंट फॉर एंड अकाउंट फॉर इज ऑल्सो एक्सप्लेन ही होता है यू शुड अकाउंट फॉर योर एबसेंस फ्रॉम दफिस की आप ऑफिस से एबसेंट थे एंड इसके लिए आपको जो है एक्सप्लानशन देना पड़ेगा रीजन देना पड़ेगा देन नेक्स्ट इज एफिलियटेड टू एंड एंडलिएटेड टू जब आता है सो इट इज रिलेटेड टू अ यूनिवर्सिटी और अ बोर्ड बोर्ड किसी या यूनिवर्सिटी से हमारा या कॉलेज या स्कूल जब याटेड होता है कनेक्टेड होता है एफिलिये का मतलब ही क्या होता है कोई ऑफिशियल कनेक्शन जो होता है ना उसे हम कहते हैं एफिलियेटेड सो एफिलियेटेड के बाद हमेशा याद रखना है टू आता है लेडी श्रीराम कॉलेज इज एफिलियेटेड टू दिल्ली यूनिवर्सिटी सो आई होप आपको समझ में आ चुका है आगे देखते हैं attend to, and attend के साथ हमेशा to होगा। इसका मतलब होता है पे अटेंशन टू मतलब कि अटेंशन पे करना डिड नॉट अटेंड टू what his मदर advised हिम कि जो भी उसके मदर ने उसे advice दी उसे उसने अटेंड टू नहीं किया मतलब कि उस पर ध्यान नहीं दिया नेक्स्ट इज एग्री विथ एंड यहां पर ध्यान रखना है स्पेशली जब आप किसी पर्सन से एग्री होते हो तब आप एग्री विथ यूज करते है बिकॉज इस एग्री के साथ और भी कुछ प्रपोजिशंस फिट uh, होती है मतलब और भी कुछ प्रपोजिशंस यूज की जाती है सो so स्पेशली जब आप किसी पर्सन से एग्री करते हैं जब पर्सन के बारे में मैंशन किया गया होता है तब आप एग्री विथ का यूज करते है फॉर एग्जाम्पल आई डू नॉट एग्री विथ यू सो यहाँ पर्सन की बात की जा रही है पर्सन से एग्री ना होने की इसलिए हमने एग्री विथ का यूज यहाँ पर किया गया है, किया है। किया नेक्स्ट एग्री टू जैसे कि अभी मैंने बताया था एग्री के साथ टू प्रिपोजिशन का भी यूज किया जाता है लेकिन कब जब आप किसी के विव्स से विचारों से सहमत होते हैं तब जैसे ही एग्री टू ऑल माय विव्स बट हिज सिस्टर डिड नॉट सो यहां पर देखेंगे एग्री टू यूज किया है बिकॉज यहाँ पर बात विव्स की की जा रही है किसी पर्सन के बारे में यहां पर मेंशन किया गया नहीं है क्स्ट इज एफ्लिक्टेड विथ एंड ये एफिलियेटेड नहीं है डोंट गेट कन्फ्यूज विथ वर्ड एफिलियेटेड मतलब वो ऑफिशियल कनेक्शन वाला जो आ, हमने अभी देखा था प्रीवियस स्लाइड में वो नहीं है This is afflicted. Afflicted मतलब, आ, किसी डिसीज प्रॉब्लम या मेंटल ट्रबल से जब आप सफर कर रहे होते हैं उसे हम कहते हैं एफ्लिक्टेड एंड एफ्लिक्ट के साथ हमेशा विथ प्रोपोजिशन का यूज किया जाता है फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज एफ्लिक्टेड विथ एक्सट्रीम पॉवर्टी मतलब इंडिया इज सफरिंग विद एक्सट्रीम पावर्टी देन नेक्स्ट इज एक्ट अपॉन एंड एक्ट अपॉन मतलब कॉम्प्लाय हिंदी में कह सकते हैं के अनुसार पर्टिकुलर किसी की एडवाइस के अकॉर्डिंग uh, या कोई रूल्स के अकॉर्डिंग जब आप काम करते हैं उसे हम कहते हैं एक्ट अपॉन एंड हमेशा याद रखेंगे एक्ट के साथ जो प्रपोजिशन होगा वो हमेशा अपॉन ही होगा सो लेट्स चेक द एग्जाम्पल Always act upon the advice of your elders की, हमेशा बड़ो की एडवाइस पे ही आपको क्या करना चाहिए फॉलो करना चाहिए मेक सुटेबल फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट अडेप्टअर सेल्फ टू न्यू सिचुएशन टू सक्सीड इन लाइफ की अगर लाइफ में सक्सीड होना है तो आपको हमेशा अडेप्ट करना पड़ेगा किसको न्यू सिचुएशन को तो यहां पर भी आप देख पा रहे अडेप्ट के साथ हमेशा टू का यूज किया जाता है एंड इसका मतलब होता है मेक सुटेबल द नेक्स्ट इज अकस्टमड टू एंड अकस्टम टू मतलब होता है यूज्ड टू या हम कह सकते हैं हैंबिचुअल किसी चीज के लिए हैबिचुअल हो जाना या यूज टू हो जाना यूज टू मतलब क्या होता है आदत हो जाना एंड हैबिचुअल मतलब भी आदत हो जाना किसी चीज की तब हम कहते हैं अकस्टम टू एंड अकस्टमड के बाद हमेशा टू आता है एंड ये पूरा एक फ्रेजल वर्ब भी होता है जिसका मतलब होता है आदत ओके आई एम अकस्टम टू ईटिंग फ्रूट्स मतलब मुझे आदत है फ्रूट्स खाने की इस तरीके से देन नेक्स्ट इज अवेयर एंड अवेयर के साथ ऑफ होता है

तब उसे हम कहते हैं ब्लाइंड इन हिज सन इज ब्लाइंड इन द राइट आई एंड नीड्स मेजर सर्जरी तो उसका जो सन है जो भी कोई पर्सन है उसका जो सन है वो क्या है ब्लाइंड है राइट right आई में मतलब वो अपनी राइट right आंख से क्या है अंधा है नेक्स्ट इज ब्लाइंड टू एंड ब्लाइंड टू मतलब होता है डिफेक्ट्स जैसे वी शुड नॉट ब्लाइंड टू द फॉल्ट ऑफ आवर चिल्ड्रन जब uh, किसी पर्टिकुलर किसी पर्सन में डिफेक्ट्स होते हैं एंड वो वो डिफेक्ट्स हमें दिखाई नहीं देते जैसे यहाँ पर बात की गई वी शुड नॉट ब्लाइंड टू द फॉल्ट ऑफ अवर चिल्ड्रन सो जो पेरेंट्स होते हैं पेरेंट्स को अपने चिल्ड्रंस के फॉल्ट्स कभी भी दिखाई नहीं देते हमेशा जो भी कुछ हुआ है गलती हुई है तो हमेशा लगता है कि या तो उसके फ्रेंड ने की होगी या पड़ोस के किसी बच्चे ने की होगी इस तरीके से तो इसे कहा जाता है ब्लाइंड टू मतलब खुद की फॉल्ट ना दिखना इस तरीके से देन नेक्स्ट इज बेयरिंग ऑन एंड बेयर के साथ हमेशा ऑन आता है जिसका मतलब होता है रिलेशन टू योर स्पीच हैज नो बियरिंग ऑन दिस सब्जेक्ट मतलब आपका जो भी स्पीच है इसका कोई भी रिलेशन नहीं है इस मेन सब्जेक्ट पर कि जिस सब्जेक्ट को हम डिस्कस करने के लिए बैठे हैं यहाँ पर उस सब्जेक्ट से आपके स्पीच का कोई भी रिलेशन नहीं है देन नेक्स्ट इज क्योर ऑफ क्योर ऑफ मतलब किसी डिसीज का क्योर हिस्स क्योर ऑफ द इनेस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सो क्योर ऑफ मतलब इट इज रिलेटेड टू डिसीज एंड क्योर फॉर मतलब होता है ट्रीटमेंट मतलब किसी पर्टिकुलर ट्रीट डिसीज के लिए कोई ट्रीटमेंट की जब बात की जाती है तब हम यूज करते हैं क्योर फॉर देर इज नो क्योर फॉर एड्स ये तो यहाँ पर हम बात करें क्योर की ट्रीटमेंट की सो ये इसीलिए हमने यूज किया है यहाँ पर क्योर क्स्ट इज कोप विथ एंड मतलब होता है मैनेज करना काम को किसी काम से मैनेज करना या हम कह सकते हैं डील करना माई एडवोकेट कैन कैनोट कोपेवी वर्की कोट वर्क तो यहाँ पर आपने देखा कोप के साथ हमेशा विथ एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इसे फ्रेजल वर्ब या फिक्स प्रपोजिशन जो भी कहेंगे ये इंपॉर्टेंट है काफी जगह पूछा जाता है एंड जनरली इसे ऐसे दिया जाता है कोप अप विथ बट दिस इज अ वेरी ओल्ड मेथड कोप के साथ अब का यूज अब नहीं किया जाता इट इज ओनली कोप विथ जिसका मतलब होता है टू डील समथिंग या टू मैनेज वर्क देन नेक्स्ट इज कॉम्प्लाय विथ कॉम्प्लाय विथ मीन्स एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ मतलब के अनुसार काम करना जैसे कि यू मस्ट कॉम्प्लाय विथ द रूल्स लेट डाउन बाय द कमिटी ओके आई थिंक ये हम डिस्कस कर चुके हैं लेकिन फिर से देख लीजिए कि जो भी रूल्स कमिटी ने बनाए हैं उन्हें आपको फॉलो करनी चाहिए उनका पालन करना चाहिए उनके अनुसार आपको काम करना चाहिए देन नेक्स्ट इज कम्प्लेन अगेंस्ट अब देखिए यहां पर कंप्लेन अगेंस्ट है एंड कंप्लेन ऑफ भी है सो so जब हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में मैंशन करते हैं तब हम यूज करते हैं अगेंस्ट का फॉर एग्जाम्पल ही कंप्लेन टू द प्रिंसिपल अगेंस्ट मी सो हियर अब किसी पर्सन मी के बारे में मतलब पर्सन के बारे में मैंशन किया गया है सो so यहाँ पर हमने यूज किया है कंप्लेन एंड अगेंस्ट एंड आपने देखा कि यहाँ पर ये यह जो कम्प्लेन है ये प्रपोजिशन डायरेक्टली, इमीजिएटली कम्प्लेन के नेक्स्ट uh, टू में uh, मतलब जस्ट बाजू में नहीं लिखी गई है यहाँ पर है सो so हमेशा याद रखना है कि जरूरी नहीं होता है कि जो प्रपोजिशन होती है वो बिल्कुल इमिजिएटली उस वर्ब के बाद लिखी जाए वो बाद में भी हो सकती है कुछ वर्ड्स या कुछ नाउन्स के बाद लेकिन हमेशा याद रखना है कि कम्प्लेन के बाद अगेंस्ट ही आएगा Then next इज कंप्लेन ऑफ एंड कंप्लेन ऑफ मतलब होता है एक किसी चीज के बारे में जब, जब मतलब पर्सन के बारे में मैंशन नहीं किया जा रहा है तब हम यूज करते हैं कंप्लेन ऑफ फॉर एग्जाम्पल द टीचर कंप्लेन ऑफ हिज रूड बिहेवियर सो यहां पर रूड बिहेवियर की बात की जा रही है किसी पर्सन के लिए पर्सन की नहीं सो देर फोर कंप्लेन ऑफ का यूज यहाँ पर किया गया है Then next is enter into. And enter into मतलब किसी एग्रीमेंट या किसी अलायंस में आप एंटर करते हैं तब हम यूज करते हैं एंटर इंटू इंडिया एंड अमेरिका हैव एंटर इंटू वेरियस एग्रीमेंट सो इंडिया एंड अमेरिका एंटर एंड एंटर के बाद हमने यूज किया इंटू सो यहाँ पर एग्रीमेंट की बात की जा रही है इसलिए यहाँ पर एंटर इंटू की बात की गई है Then next is enter on, yeah, enter upon. इसका मतलब मतलब होता है undertake करना मतलब, uh, किसी या किसी चीज की शुरुआत करना सो माई ब्रदर अपॉन एक्सपेंशन प्रोग्राम ऑफ उसने डिसाइड uh, किया है कि उसका जो भी बिजनेस uh, है उसे वो एक्सपांड करेगा सो एंटर अपॉन मतलब अंडरटेक समथिंग गिफ्टेड विथ ब्यूटी मतलब भी है एंड टैलेंट भी है so, endowed के साथ हमेशा याद रखना है विथ आता है जिसका मीनिंग होता है गिफ्टेड विथ एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन नेक्स्ट इज इंक्वायर फॉर और इंक्वायर अबाउट सो आप फॉर एंड अबाउट दोनों यहाँ पर प्रपोजिशन का यूज कर सकते मतलब की एक साथ नहीं आईदर यू कैन यूज फॉर और अबाउट मतलब आप किसी चीज के बारे में जब इंक्वायरी करते हैं तब आप यूज करते हैं इंक्वायर फॉर या तो इंक्वायर अबाउट माय मदर जस्ट गॉन टू इंक्वायर फॉर सप्लाई ऑफ रेशन सो इंक्वायर फॉर मतलब यहाँ पर, पर किसी चीज मतलब कि रेशंस के बारे में रेशन मतलब आप वो जो हमें रेशन मिलता है गेहूं चावल इस तरीके से जो शॉप से जो हमें गवर्नमेंट देती है उसे हम कहते हैं रेशन द नेक्स्ट इज इंक्वायर आफ्टर अब इंक्वायर सेम वर्ड है लेकिन यहाँ पर आफ्टर है तो हम जब किसी के वेलफेयर या आज का आफ्टर मतलब वेलफेयर मतलब हम पूछते हैं ना कि आ, आप कैसे है घर पे लोग कैसे है या हेल्थ के बारे में जब इंक्वायरी करते हैं या चीज फाइनेंशियल चीजों के बारे में कि कैसा चल रहा है इस तरीके से तब हम यूज करते हैं इंक्वायर आफ्टर आई इंक्वायर्ड आफ्टर हिज फादर्स हेल्थ तो जब मैंने उसके फादर के हेल्थ के बारे में पूछा तब मैंने यहाँ पर इंक्वायर आफ्टर का यूज किया द नेक्स्ट इज इंक्वायर ऑफ एंड जब आप पर्सन को कुछ पूछते हैं इंक्वायरी करते हैं तब हम यूज करते हैं इंक्वायर ऑफ आई of him the name of his father. जब मैंने उसके फादर के नाम आ, फादर का नाम पूछा उसे कोई किसी चीज के बारे में इंक्वायरी की उसका नाम या उसका एड्रेस या टेलीफोन नंबर तब हम यूज कर सकते हैं इंक्वायर ऑफ The next is inquire into, and inquire into, मतलब investigate करना जो सीबीआई पुलिस करती है तब हम यूज करते हैं इंक्वायर इंटू का the police are the case, मतलब पुलिस इस केस की के जांच पड़ताल मतलब इंक्वायरी कर रही है the next is overwhelmed with, and overwhelmed with, मतलब जब हम feelings को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं जैसे हर मदर वॉज ओवरवेल्म्ड विथ लव डिटेड बाय किसी से जब हम डिफीट हो जाते हैं हार जाते हैं द एनिमी वॉज ओवरवेलम्ड बाय आर आर देक्स्ट इज प्रोन टू एंड प्रून टू मतलब इनक्लाइंड टू मतलब कहीं पर किसी चीज की रिस्क जैसे मैंने कहा कि दिस एरिया इज प्रोन टू फ्लड्स मतलब इस दिस एरिया इज प्रोन टू फ्लड्स मतलब यहाँ पर फ्लड्स हमेशा आते रहते हैं या देर आर मेजर चांसेस कि यहाँ पर फ्लड्स आ सकते हैं थिकली पॉपुलेटेड एरियाज आर प्रोन टू राइट्स एंड डिसीजेस तो यहाँ पर जो भी थिकली पॉपुलेटेड जहां बहुत सारे लोग रहते हैं वो एरिया कैसे होते प्रोन टू होते किसके लिए राइट्स मतलब जो दंगे फसाद या डिसीजेस वहां पर हमेशा आ सकती है

फ्रॉम कोल्ड वेव मतलब ये जो कोल्ड वेव ठंडी हवा जो चल रही है इससे लोगों को रिलीफ नहीं मिला है सो ऑलवेज रिमेंबर रेस्पाइट इज यूज ओनली विथ दिस प्रपोजिशन दैट इज फॉर्म फ्रॉम सॉरी नेक्स्ट इज रिपेंट ऑफ मतलब की एक्शन रिपेंट uh, मतलब क्या होता है पछतावा करना जो हमने कुछ पास्ट में कर लिया है उसके लिए ही रिपेंटेड ऑफ 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 हिज हिज द यूथ यूथ जब वो यंग uh, था जब एंड uh, जब वो यंग था एंड उस टाइम में उसने जो भी गलतियां की मिसडिट्स किए उसके लिए वो अभी भी क्या करता है रिपेंट करता है मतलब कि उस एक्शन के लिए पछतावा फील करता है या पछताता है तो हमेशा याद रखेंगे रिपेंट के साथ हमेशा ऑफ आएगा देन नेक्स्ट इज रिकनसाइल विथ मतलब की पर्सन रिकनसाइल uh, मतलब होता है कि फिर से एक हो जाना so so सो ही अभी अभी मैंने कुछ लास्ट लास्ट तीन मतलब लास्ट वीक में समथिंग ये रिकनसाइल विथ किसी न्यूज uh, पेपर में देखा था मैंने ये वर्ड ये प्रपोजिशन सो गाइस आई होप आप सभी को जितनी भी चीजें आज हमने डिस्कस की है वो समझ में आ चुकी है सो थैंक यू वेरी मच गाइज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज